Hello students, welcome back to IIT Manthan and I am Shikha and we'll be continuing with our chapter that is Genetics and Evolution. हमने इस chapter में already कुछ important चीज़ें cover up कर ली हैं, like it was an intro class in the previous class. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे hopefully, अच्छा मैं ये सोच के चल रही हूँ कि वो तुम लोगों ने याद कर लिया होगा, heredity, alleles, ठीक है, gene क्या होता है और मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं ये. नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो मेंडल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, दो ही वॉज अ मैथमेटिशियन बट उन्होंने जेनेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है एंड इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है. ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. सो इफ यू रिमेंबर, तो मेंडल ने क्या किया था कि पी प्लांट लिया था. ठीक है, सो इट वॉज एक्चुअली अ गार्डन पी. ठीक है, जिसका नाम था पाइसम सटाइवम. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे ये गार्डन पी ही क्यों लिया गया था, कोई और चीज़ें क्यों नहीं ली गई, तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स है. पहले उन्होंने ये भी सोचा कि हम माइस पे ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, और फिर उन्होंने सोचा किसी, अब ह्यूमन बीइंग पे तो ये ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज़ इलीगल और वहाँ पे चेंजेस हमें देर से नोटिस होंगे. तो पी प्लांट में देर वो समथिंग डिफरेंट कि यहाँ पे इनको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मिले थे एज कम्पेयर टू बाकी जन, और इनका टाइम पीरियड भी कम था. ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारी चीज़ें होने का और आपको कैरेक्टरिस्टिक पता लगने का ये टाइम पीरियड भी कम था इसका, गार्डन पी का. ठीक है, सो द कैरेक्टर्स विच मेंडल टुक वॉज बेसिकली, आई एम मेकिंग अ चार्ट फॉर यू. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो आई एम राइटिंग द कैरेक्टर्स, जो डोमिनेंट वाले हैं वो और जो रिसेसिव वाले हैं वो. ठीक है, इट विल बी समवट लाइक दिस. ठीक, अब टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कैरेक्टर जो पी प्लांट में इन्होंने लिया दैट वॉज अबाउट हाइट. ठीक है, हाइट हमने डिनोट किया था किससे, टी और टी. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल में तो दिस इज एक्चुअली द डोमिनेंट थिंग. कैपिटल लेटर में अगर चीज़ें मैंने लिखी हैं तो दैट इज व्हाट, कि वो डोमिनेंट है, मीन्स उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है इस जनरेशन में, इन द कमिंग जनरेशन. रेसेसिव का मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करे. सो अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट में क्या होगा, एक तो टॉल होगा और एक शॉर्ट होगा या फिर ड्रॉफ. ठीक है, ये चीज़ होगी. अब यहाँ पे अगर मैं हाइट की बात कर रही हूँ तो यहाँ क्या है कि अगर मैं टॉल की बात कर रही हूँ तो ध्यान देना, दिस इज टॉल, देन दिस इज ऑल्सो टॉल. ठीक है, तो जहाँ पे भी ये चीज़ें मेंशन होंगी तो ये क्या बात कर रहे हैं, टॉल की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज अबाउट द फीनोटिपिक थिंग, मतलब फीनोटिपिक मतलब क्या था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फिजिकल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकली अगर आप देख रहे हो तो ये भी डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाले का ही नाम लेंगे टी, दैट इज कैपिटल टी. ठीक है, मतलब प्लांट इज टॉल, और डबल टी है अगर कैपिटल वाले तो प्लांट इज अगेन टॉल. कमिंग ऑन टू ड्वार्फ, ड्वार्फ के केस में क्या होगा, इट कैन बी दिस. ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा स्मॉल लेटर में दिया जाएगा, सो यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल टी, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, सो नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी फ्लोरल पोजीशन, फ्लोरल पोजीशन। अब फ्लोरल पोजीशन की अगर बात करो, सो इट कैन बी, एक तो जो एक्जिल पे प्रेजेंट होगा, एक्जिलेरी, और दूसरा क्या होगा, टर्मिनल पे, ठीक है। तो अब एक्जिलेरी और टर्मिनल में केस में जो एक्जिलेरी वाला पार्ट है, मीन जो टॉप नॉच पे प्रेजेंट होगा, एक्जिलेरी वाला ये होता है, ठीक है, टर्मिनल वाला इज दिस। तो अब इसका क्या होगा कि इन दिस केस एक्जिलेरी जो है वो डोमिनेंट है और रेसेसिव जो है वो टर्मिनल है, क्लियर है। योर नेक्स्ट कैरेक्टर विल बी अबाउट द फ्लोरल कलर, मीन्स की फ्लावर कलर भी कर सकते हो उसको। अब जो पी प्लांट का फ्लावर है उसका कलर क्या होगा, सो इट विल बी समथिंग पर्पल, और कई जगहों पे वॉयलेट भी लिखा है, ठीक है। सो वैसे पर्पल एंड इट विल बी वाइट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पर्पल और वाइट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो डोमिनेंट वाला जो है दैट इज पर्पल, ठीक है, और जो रेसेसिव वाला है वो है वाइट कलर ऑफ द फ्लावर, क्लियर है। अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग लेटर्स देखोगे, ठीक है, इन दिस केस। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फोर्थ कैरेक्टर, इट इज बेसिकली पॉट शेप, पॉट क्या होता पता है, पॉट इज बेसिकली क्या है कि मटर देखिए, मटर किसी में इनक्लोज होती है, सो दैट इज पॉड, समवट लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे ये पी प्रेजेंट होती है, तो ये जो है जो ऊपर कवरिंग है वो दैट इज पॉड। तो अगर पॉड शेप की बात करें, सो इट कैन बी इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेटेड है दैट इज अगेन अ डोमिनेंट कैरेक्टर, लेकिन जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है दिस इज अगेन अ रेसेसिव कैरेक्टर, क्लियर है, ये आपको दिमाग में रखनी है थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फिफ्थ कैरेक्टर, दैट विल बी पॉट कलर, अब पॉट कलर में क्या होगा, ऑब्वियसली इट कैन बी ग्रीन और येलो, ठीक है, तो या तो वो ग्रीन होगा। सो हम बात कर रहे थे अबाउट दिस द पॉट कलर, ठीक है, तो पॉट शेप तो देख लिया, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड है। पॉट कलर की बात करें, सो इट कैन बी येलो और ग्रीन, अब जो डोमिनेंट वाला पार्ट है दैट इज ग्रीन, एंड रिसेसिव वाला पार्ट है जो वो येलो है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें, सो इट्स अबाउट द सीड शेप, ये था पॉट शेप, अब उसकी सीड कैसी होगी, ठीक है, तो इट विल बी सीड शेप। सो आपको पता है दो चीज़ें पॉसिबल हैं, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट दिस राउंड एंड रिंकल्ड, तो जो राउंड है वो किस में है, इट इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। कमिंग ऑन टू रिंकल्ड, ये अगेन एक रेसेसिव कैरेक्टर है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू सीड कलर, ठीक है, सीड कलर में क्या होगा, दो कलर हैं अगेन, यू नो, येलो और ग्रीन, ठीक है। सो
हेयर इज समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे इफ़ यू कैन सी पॉड कलर जब था तो वहाँ पे ग्रीन था, ठीक है, और ग्रीन डोमिनेंट में था और येलो रेसेसिव में था. बट अगर हम सीड कलर की बात करें तो यहाँ पे येलो जो है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन है दैट इज रेसेसिव. ओके, सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड फॉर फर्दर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू सम अदर टर्म्स. मैंने आपको बताया था कि हम सेल्फिंग करते हैं या फिर टेस्ट क्रॉस करते हैं और एक प्यूनिट स्क्वायर भी बनाते हैं टू नो द नेक्स्ट जनरेशन. सो लेट अस सी कि प्यूनिट स्क्वायर में क्या होता है, ठीक है. व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट कि दो चीज़ें हैं, ठीक है, इट्स टी टी एंड तो ये क्या है डोमिनेंट और ये क्या है रेसेसिव, ठीक है. अगर इसमें क्रॉस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके गैमेट्स की बात करूं सो ये कुछ ऐसे फॉर्मेशन होगा और ये समवट लाइक दिस. अब अगर क्रॉस होगा, ठीक है, मतलब दैट इज द ब्रीडिंग बिटवीन द टू प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म. तो जब क्रॉस होगा तो क्या होगा, वी विल बी गेटिंग ये, ठीक है, देन इट कैन बी दिस, फिर और समवट लाइक दिस व्हाट यू विल बी गेटिंग, ठीक है. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फीलियल जनरेशन है दैट इज F1 या फिर F2 की बात हम करते हैं, तो दीज आर एक्चुअली फर्स्ट फीलियल जनरेशन सेकंड फीलियल जनरेशन, उसको इस तरीके से मार्क किया जाता है, ठीक है. अब प्यूनिट स्क्वायर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ एक्चुअली अ चेकर बोर्ड, ठीक है, इस चीज का एक चेकर बोर्ड है. कैसे, समवॉट लाइक दिस. ओके, देखो यहां पे मैंने क्या बोला था कि टी टी है और कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, दिस ये चीजें फॉर्म हो रही हैं यहाँ पे, तो हमने वो वहां पे प्लेस कर दी. अब दिस इज एक्चुअली अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, दिस यू आर गेटिंग, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो अगेन इट विल बी दिस, ठीक है. दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग इन दिस केस. सो दिस इज एक्चुअली अ चेकर बोर्ड. आपके जितने भी गेमेट्स फॉर्म कर रहे हैं यू विल बी मैंशनिंग दैट हेयर और फिर अकॉर्डिंगली क्रॉस करवा के उनको आप इस प्यूनिट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है. सो और प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली अ चेकर बॉक्स फॉर द फर्स्ट फीलियल जनरेशन और द नेक्स्ट जनरेशन. होपफुली इट इज क्लियर. अभी हमने सिर्फ एक चीज ली थी, दैट वॉज अबाउट हाइट. मतलब क्या हुआ, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर लिया है, ठीक है. सो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स भी पॉसिबल हैं. इट कैन बी समवॉट लाइक दिस, और ये ऐसे, ठीक है. अब यहाँ पे ऑब्वियसली फॉर्मेशन ज़्यादा होगी.
क्योंकि जब हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे तो एक ही कैरेक्टर था, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, तो ये दो कैरेक्टर हो गए। तो मेरे पास कितने हुए, फोर गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो फोर के हिसाब से दिस विल बी इंक्रीजिंग इन नंबर। ठीक है, दोनों तरफ। सो यहाँ पे हम अलग अलग कैरेक्टर्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड दिस व्हाट वी विल बी डूइंग कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स हम प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। सो लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। सो बस इतने चीज को ध्यान रखना है आपको। मोनोहाइब्रिड में हमने सिंगल कैरेक्टर लिया था, डायहाइब्रिड में हमने डबल कैरेक्टर लिए हैं। वो डबल कैरेक्टर के लिए अभी तक चार गैमेट फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो चार तो इसमें फिक्स हो जाने हैं। ठीक, अगर दो कैरेक्टर लेंगे तो एट फॉर्म करेंगे एंड दिस, तो चार यहाँ और चार यहाँ लगाएंगे। क्लियर है? एंड दिस इज़ वेरी इजी, एंड इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है क्योंकि भाई मैथमेटिशियन ने दिया है। ठीक है, होपफुली इट इज़ क्लियर। सो इन नेक्स्ट केस वी हैव अबाउट सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग में क्या होता है, अच्छा ये चीज़ भी जान लो, इट्स अगेन इम्पोर्टेंट। सेल्फिंग नाम से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ क्रॉस बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम जनरेशन। ठीक है, मतलब एक ये जनरेशन है मेरी F1 जनरेशन, अब मैं इन्हीं के बीच में क्रॉस कर रही हूँ। सो दिस इज सेल्फिंग, क्रॉस बिटवीन द सेम जनरेशन मेंबर्स। ठीक है, सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, एमीट फॉर्मेशन विल बी, सॉरी, टी टी और ये, दोनों कैपिटल आएंगे। ठीक है, इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल आएगा। ठीक, फिर इफ यू टॉक अबाउट दिस तो क्या होगा, स्मॉल और कैपिटल आएगा। ठीक है, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट दिस सो अगेन क्या होगा, ये आएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट कैन बी ये जो था, अगर आप इसके साथ क्रॉस करोगे, जस्ट अ मिनट, ये हो गया है हॉच पॉच, टी और टी फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब इनके बीच का क्रॉस, सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो गैमेट फॉर्मेशन होगा दिस विल बी ऑफ टी टी, ये और ये। ठीक है, एंड ये और ये। ठीक, तो क्या हुआ, हमें तीन टॉल मिले और एक शॉर्ट ड्रॉफ। ठीक है, अगेन हमने क्या लिया था, एक कैरेक्टर लिया था, दैट वाज हाइट, और टॉल और शॉर्ट बताया था। अब इसकी सेल्फिंग में क्या हुआ कि सेल्फिंग वाज व्हाट, अपनी ही फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस होगा। ठीक है, सो दिस इज टिल हेयर ओवर इट इज क्लियर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, अगेन आई एम टेलिंग सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं हम। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि सेल्फिंग क्या होता है। सेल्फिंग में क्या हो रहा था कि अपने ही फर्स्ट फीमेल जनरेशन के जो भी ऑफस्प्रिंग हो गए उसमें क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन दैट केस, जब मैंने बोला था तुम्हें कि एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, जहाँ पे हमने हाइट एज अ फैक्टर लिया था
और हाइट कहा था तो मतलब मोनोहाइब्रिड है क्योंकि हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे से जो गेमीट फॉर्मेशन हुए थे, फिर मैंने आपको प्यूनेट बॉक्स के बारे में बताया। अभी यहाँ पे अब ये जो सेल्फिंग है, इसकी जो फर्स्ट फीडियल जनरेशन आएगी, ठीक है, इसमें क्रॉस होगा। सो दिस इज सेल्फिंग। समवट रिलेटेड इज द प्योर लाइन, ठीक है। प्योर लाइन के केस में बेसिकली क्या होता है, अगर आप बात करो तो कुछ अराउंड 5 कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन में एक पर्टिकुलर जीनोटाइप ही क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, ऑफस्प्रिंग में क्रॉस हो रहा था, फर्स्ट फीलर जनरेशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, प्योर लाइन में 5 कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन होंगी, ठीक है, एक के बाद एक। और वहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप सेल्फ किया जाएगा, जैसे एक पर्टिकुलर जीनोटाइप मतलब ये और ये, ठीक है। तो ये लगातार सेल्फिंग हो रही है 5 कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन में। सो दिस विल बी गिविंग अ प्योर लाइन, एक जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक जो कॉम्पोजिशन है दैट विल बी सिमिलर, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट सेल्फिंग एंड योर प्योर लाइन। प्यूनेट बॉक्स होपफुली, प्यूनेट स्क्वायर होपफुली क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब हो गया था हाँ, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड में 2 चीज़ें ली जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी हमने हाइट लिया मोनोहाइब्रिड में, अगर मैं डाईहाइब्रिड की बात करूँ तो यू विल बी टेकिंग एक हाइट हो गया, ठीक है, दैट नेक्स्ट कैन बी सीड शेप, ठीक है, ये हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ट्राईहाइब्रिड की बात करती हूँ, ठीक है, मतलब कि 3 कॉम्पोजिशंस होंगे, सो एक हाइट ले लिया, एक सीड शेप ले लिया, एक सीड का कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे, होपफुली यहाँ पे क्लियर हो गई हैं चीज़ें। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे कुछ लॉज दिए थे मेंडल ने, ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट लिसन टू दैट केयरफुली और बाद में कॉपी करना। सो द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय द नेम इटसेल्फ ही तुम समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकेंड वन फेल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, इसलिए वो रेसेसिव है। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो कि अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में डिफरेंस अभी तक तुम्हें पता हो गया होगा। दिस इज़ द रीज़न मैं तुम लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि ये टर्म्स लर्न कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग यही बात करेंगे कि भाई अच्छा दिस इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर मैं ये नहीं बताऊँगी कि भाई मोनोहाइब्रिड का मतलब ये होता था, ठीक है, और अदरवाइज दिस इज़ अ यूनिट स्क्वायर। फिर तुम पूछ रहे हो अच्छा मैडम सेल्फिंग क्या होती है, क्या होते हैं, ठीक है, तो इट्स बेटर यू लर्न दैट, ठीक है। डोमिनेंट और ठीक, डोमिनेंट और रेसेसिव में तुम्हें पता चल गया। अब अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे अगर प्योर लाइन से, प्योर लाइन क्या थी, 5 कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन में इट वॉज द सेम जीनोटाइप की सेल्फिंग, ठीक है। अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये है द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या है द रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो फिनोटिपिक है, ठीक है, फिजिकल ट्रेट, ये क्रॉस हम कईयों बार कर चुके हैं, ठीक है, होपफुली अभी तक समझ में आ गया होगा। ये फॉर्म हो रहा है। इन केस ऑफ प्यूनिट स्क्वायर हमने क्या देखा था, जब हमने प्यूनिट स्क्वायर बनाया, सो वी वर वेरी क्लियर अबाउट दिस, ये ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, ठीक है, एंड दिस, ये टीटी, ये और ये,
ये और ये एंड देन दिस वन. इज दिस द थिंग विच एक्चुअली हैपन. इसमें अगर मैं बात कर रही हूं अबाउट द फिनोटिपिक रेशो, ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशो मेरा क्या, ठीक है, फिनोटिपिक रेशो मेरा क्या होएगा, फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है. तो यहां पे अगर मैं ये कह रही हूं तो दिस इज टॉल, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हो, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज टॉल, दिस इज अगेन टॉल, दिस इज अगेन टॉल एंड दिस इज अगेन टॉल. क्लियर है? होपफुली अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया है हमने, ठीक है. क्या हुआ, अब ये सारे टॉल हैं. फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है. अब ये फिजिकल अपीयरेंस में अगर मैं फिजिकली देखूं तो मुझे टॉल 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 और टॉल नजर आ रहे हैं, मतलब 4:0. सो दीज फोर आर एक्चुअली टॉल, और ड्वार्फ की बात करें तो वो है ही नहीं. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द जीनोटिपिक रेशो. अब जीनोटिपिक में क्या होगा, अगेन जीनोटिपिक की अगर मैं बात कर रही हूं तो दैट वाज द जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो है वो सेम होनी चाहिए. अगर तुम यहां देखो तो ये इसके सेम है और ये भी सेम है. तो अगर आई एम टॉकिंग अबाउट अ जीनोटिपिक रेशो, तो भी क्या होएगा, 4:0, ठीक है. तो यहां पे दिस वाज हेटरोजाइगस सिचुएशन, जहां पे क्या हुआ कि ये सेम है, ठीक है, ऑल आर टॉल, बट ये हेटरोजाइगस कंडीशन है क्योंकि मेरे पास दो अलग तरह के कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स अवेलेबल हैं. क्लियर है? होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है, डोमिनेंट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया इन द अदर जनरेशन, रेसेसिव वाला अपने आप को दैट फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द नेक्स्ट जनरेशन. तो यहाँ पे तुम देखो रेसेसिव ने अपने आप को कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं किया है. एवरी प्लांट वी आर गेटिंग इज टॉल. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन से क्या समझते हो? सेग्रीगेट करना क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बास्केट ऑफ रोजेस, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास वाइट और रेड रोज हैं, ठीक है. इफ आई एम टेलिंग यू टू सेग्रीगेट दैट, तो आप क्या करोगे, रेड वाले अलग कर दोगे और वाइट वाले अलग कर दोगे. मींस दो देवर प्रेजेंट इन द सेम बास्केट, लेकिन आपने उनको सेग्रीगेट कर दिया, तो प्योर्स अलग कर दिए, ठीक है. तो रेड एक साइड और वाइट एक साइड है. तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यहां पे क्या होता है, ये सेपरेशन हो जाएगा दो, सॉरी इसमें सेपरेशन हो जाएगा दो अलग, जो डोमिनेंट होगा या फिर रेसेसिव होगा. जैसे नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा, आउट ऑफ द टू एलील्स, ठीक है, दो एलील्स में से आउट ऑफ द टू एलील्स वन गोज इन ईच गेमीट, और ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन द टू एलील्स गेट सेपरेटेड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है. सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहाँ पे दो एलील्स दैट विल बी मेकिंग सम प्योर लाइन्स, ठीक है. जैसे नाउ होमोजाइगस हेटरोजाइगस, ठीक है. गेमीट फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अब मैं बात करती हूँ, गेटिंग इन टू दिस, ये क्या कर रहा है, प्योरिटी ऑफ गेमीट्स को दिखा रहा है, ठीक है। इट शोज द प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, ठीक है। लेट अस सी हाउ, इसका क्रॉस करके देखो जरा कॉपी में। मैंने क्या कहा, सेग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव का खेल था, यहाँ पे दो गेमीट्स का अलग होना हो रहा है, ठीक है। प्योरिटी मांग रहे हैं ये। अब यहाँ पे इफ आई से दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, यूनिट स्क्वायर, एग्जाम में ऐसे नहीं बना के होगी लेकिन, ठीक है, क्लियर है। सो इट्स समवट लाइक दिस, ऐसे बना के होगा, ठीक। दिस विल बी दिस, इधर भी देखें तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ये मिलेगा और इधर भी हमें यही मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ क्या हुआ, दोज गेट द प्योरिटी ऑफ गेमीट। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अगर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो की, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो में क्या होगा, मेरे पास फिजिकल अपीयरेंस, अगेन गेट इन टू माइंड, टी और टी है, दिस विल बी टॉल, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो अगर मैं फिनोटिपिक रेशो की बात कर रही हूँ तो ये क्या होगा, 4:0, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ड्रॉप कहीं मिल नहीं रहा, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बात करती हूँ अबाउट द जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशो में क्या होगा, ये अलग है, ठीक, तो 2:2, क्लियर है। सो ये तो हो गया आपका सिंगल ट्रेट्स के साथ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द थर्ड लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यहाँ पे से शुरू होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का खेल एक, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। I'm rubbing out this as well. अभी तक हम सिंगल कैरेक्टर्स को ले रहे थे, सिंगल ट्रेड को ले रहे थे, होपफुली इतनी दिक्कत नहीं थी तब तक। जहाँ पे डबल और ट्रिपल स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, क्लियर है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मैंने क्या बोला तुम्हें कि दो चीजें लेंगे हम, ठीक है। सो दैट विल बी अ डायहाइब्रिड क्रॉस, वो दो कैरेक्टर्स कौन से लूंगी मैं, एक तो ले लेते हैं हाइट, ठीक है, एंड एक ले लेते हैं फ्लावर कलर। डोमिनेंट कौन सा है, दैट विल बी, अगर डोमिनेंट की बात करूं तो वो हम कैपिटल में मार्क करेंगे। सो जो डोमिनेंट है हम वो एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज टॉल, दिस इज पर्पल, यहां तक क्लियर है, टॉल और पर्पल है। इसके रेसेसिव अगली उस पे लिख लेते हैं, सो दिस विल बी ड्रॉफ, ठीक है, एंड वाइट। अभी मैं यहां पे लिख लेती हूं, टॉल है ये और ये पर्पल है,
और ये क्या है, ड्वार्फ है और वाइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। दो कैरेक्टर्स ले रही हूँ मैं, एक हो गया हाइट और एक हो गया फ्लावर कलर, गेटिंग। यहाँ पे जो भी डोमिनेंट है हम उसको एक साइड पे लिख रहे हैं और जो रिसेसिव है उसको दूसरी साइड लिख रहे हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। सो मेरे पास जो डोमिनेंट पार्ट था, हमने पढ़ा था जब मैंने वो चार्ट बनाया था कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट वाला था उसमें जो टॉल वाला पार्ट था दैट वॉज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट ये क्या है, रिसेसिव है। पर्पल कलर डोमिनेंट था, फ्लावर का जो कलर था, ठीक है, तो पर्पल वॉज डोमिनेंट। अब यहाँ पे ये क्या था, ये रिसेसिव था, सो वाइट वॉज रिसेसिव। यहाँ तक क्लियर है, क्रॉस करते हैं। अब क्रॉस की अगर मैं बात करूँ सो हम इसको ऐसे नहीं क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, अगर मैं इनके गेमीट फॉर्मेशन पे जाऊँ तो यहाँ पे चार गेमीट फॉर्म होंगे, ठीक है। कैसे, टीपी टीपी, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की फॉर्मेशन होंगी, क्योंकि अभी तक जब हमारे पास दो दो कैरेक्टर्स थे तो क्या हो रहा था, सॉरी एक कैरेक्टर था तो हमारे गैमेट्स भी दो दो बन रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फोर टाइप्स बनेंगे, तो दैट विल बी दिस, ठीक है। ये बता रहे हैं ड्वार्फ वाइट और ये बता रहे हैं टॉल पर्पल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके। कमिंग ऑन टू द प्यूनिट स्क्वायर, प्यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसे उठा के ऐसे के ऐसा रख देना है प्यूनिट स्क्वायर में, ठीक। नाउ टी पी टी पी टी पी और टी पी, होपफुली इट इज विजिबल, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, इसको थोड़ा सा और, ठीक है, टीपी और यह है टीपी, सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या मैंने मुझे प्लेस करने हैं, ये उठा के इधर प्लेस कर देने, ठीक है। सो टीपी टीपी और टीपी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ तक क्या किया हमने, गैमेट्स बनवाए, ठीक है, और क्या किया, इस पॉइंट में रख दिया, ठीक है। अब द कॉम्बिनेशंस जैसे हम कर रहे थे, सो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी टी टी और पी, गेटिंग माई पॉइंट। कैपिटल टी यहाँ का, स्मॉल टी यहाँ का, कैपिटल पी यहाँ का और स्मॉल पी यहाँ का, ठीक है। सेम विद द केस विद दिस, टी टी और पी पी, क्लियर है। डोंट यू थिंक ये सारे एक ही जैसे होंगे, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, ऑल 16 ऑफ देम विल बी टॉल एंड पर्पल, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स मेरे पास हैं, ठीक, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, हेट्रोजिनस है एक तो,
और दूसरी चीज क्या है कि सारे टॉल और पर्पल होंगे। क्लियर है? सॉरी, तो ये आप एग्जाम में पूरा फिल करके आएंगे, ठीक है, और इसमें गलतियां भी करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इजी, बस समझ में आना चाहिए, अदरवाइज इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारी जगह हमें सेम मिला। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो मेरे पास चार ऑफस्प्रिंग आ रहे थे, ठीक है, हमें चार बॉक्सेस बनाने पड़ रहे थे। अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें 16 बॉक्सेस बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड में ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमने देखा कि सारे टॉल और पर्पल हैं प्लस हेट्रोजीनस हैं, ठीक है। सो दिस इज आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं F1 जनरेशन की सेल्फिंग करती हूँ तो क्या होगा? द थिंग विल बी, क्या फॉर्म हो रहा था? TTPP, सेल्फिंग मतलब, ठीक, सो समवट लाइक दिस। गैमेट फॉर्मेशन कौन सा होएगा? अब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, सॉरी, दिस विल बी कैपिटल, सॉरी ये होगा, ये देखो दो बार कैपिटल टी लिख लिया, एक बार स्मॉल पी और एक बार, सॉरी एक बार कैपिटल पी और एक बार स्मॉल पी, दो बार स्मॉल टी लिखोगे तो एक बार कैपिटल पी और एक बार स्मॉल पी, क्या हो गया तुम्हारे, ये गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन में क्या फॉर्म होगा, दिस इज योर होमवर्क, ये करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आप ये सेल्फिंग शो करके, ठीक है, इन द यूनिट स्क्वायर, ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी अप। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके, अब मैंने गैमेट फॉर्मेशन तुम्हें करके दे दिया है, ठीक है, सॉरी, इसकी सेल्फिंग में जो फर्स्ट फील जनरेशन होएगी उसका मुझे इसमें चाहिए यूनिट स्क्वायर में, ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। अब आ जाते हैं अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं फर्स्ट फील जनरेशन की ये करती हूँ, सेल्फिंग करती हूँ तो क्या मिलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? सी, होपफुली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज क्लियर, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, अगर हम अलग अलग क्रॉसेस का सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही ध्यान से, जैसे आप मैथ्स के सवाल बहुत ध्यान से करते हो तो ये भी आपको बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे, अगर इसमें एक भी चीज़ें हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है, मतलब अगर एक भी टीपी इधर उधर कर दिया पूरा प्यूनिट बॉक्स ख़राब हो जाएगा एंड यू विल बी गिवन जीरो, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
अब इतनी बार मोनो हाइब्रिड बता लिया, अब तो शायद याद ही हो गया होगा, ठीक है। कैरेक्टर इज हाइट, टी टी क्रॉस्ड विद टी टी, द थिंग्स आई एम गेटिंग इज यूनिट स्क्वायर बनाओ, ठीक है, टी टी और टी, हमने ऑलरेडी पढ़ा था फिनोटिपिक रेशियो 4:0 और जीनोटिपिक रेशियो भी 4:0, लेकिन यहाँ पे सारे टॉल थे। टॉकिंग अबाउट द सेल्फिंग वाला पार्ट, ठीक है, सेल्फिंग क्या होता है अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसके क्रॉस करोगे तो यूनिट स्क्वायर में क्या मिलेगा तुम्हें, इट वुड बी टी टी और टी और टी, यहाँ पे क्या आया, ठीक है, इधर क्या आया, ये यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डिफरेंस नजर आया। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो में मेरे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशो में इट विल बी, अब ये क्या है, टॉल है, और ये भी क्या है, टॉल है, और ये भी टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। कैपिटल टी किस किस में है, इसमें है और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, तो दोनों स्मॉल टी है, मतलब क्या हुआ कि अब जो रेसेसिव वाला कैरेक्टर था उसने अपने आप को इसमें एक्सप्रेस किया, ठीक है। सो यहाँ पे योर फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1, तो तीन क्या है तुम्हारे, टॉल है, और एक क्या है, ड्वार्फ है, क्लियर है, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अगर हम बात करते हैं अबाउट द जीनोटिपिक रेशियो, मतलब गैमेट जेनेटिक मेकअप, ठीक है, तो अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो यू कैन सी यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशियो है वो अलग है, इधर जो है वो अलग है, और इधर जो है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1:2:1, एक अलग है, एक अलग है, और दो सेम है, क्लियर है, होमो होमो हेट्रो हेट्रो, क्लियर है। सो दिस इज योर सेल्फिंग ऑफ योर फर्स्ट जनरेशन, तो सॉरी F1 जनरेशन की सेल्फिंग, सॉरी यार, यहाँ पे F1 जनरेशन का अगर आप फिनोटिपिक रेशो देखोगे तो दिस इज योर F1 जनरेशन और ये तुम्हारी F2 जनरेशन है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो विल बी 4:0 और जीनोटिपिक रेशो विल बी 4:0, बट जब F2 की बात आएगी तो यहाँ पे रेशो विल बी दिस। सो दिस इज योर अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होमवर्क याद होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, बट उससे पहले इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। एंड रिमेंबर दोज वर्ड्स जो मैंने आपको डेफिनेशंस वगैरह बताई थी, लर्न दैट, क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच क्लास एंड टेक केयर।